السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن سن سنة حسنة إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سامعين محترم وسلاحك كتاريف جس رب الجلال والإكرام کو दीन इस्लाम की शादत से मालामाल फरमाया और इस्लाम खालिस को सुनने समझने और मकदूर उस पर अमल की तोफ़ी बख्शी बदहु लखों का अनगिन दरुद सलाम हो रहमत कुल कायनत फख्र मौजूद सरवर गिरामी जनाब महमद रसूल

जो मुझ पर और आप पर फर्ज है जिसके मुतालिक अल्लाह जला कराम ने यह पैगाम दिया है नबी महतरम सल वसलमा के मिल किताब आप किताब को तिलावत कीजिए और नमाज कायम कीजिए बेशक नमाज बुराइयों से रोकती है यह पांच फरजें इस्लाम में से एक अहम फरीजा बड़ी मुश्किल से दस मिनट का टाइम लगता है लेकिन जानते हैं दस मिनट का वक्त कितना कीमती है एक हदीस के जरिए मैं आज इस हकीकत को आपके सामने बेतोफ़ी पेश करने की कोशिश कर रहा हूं बिन मालिक नदी अल्लाह يقول الله रब عز وجل يوم القيامه. أين جيراني؟ أين جيراني؟ أين جيراني؟, جيراني؟ فتقول الملائكة يا ربنا من جارك اليوم؟ فقال أين عُمَّارُ المساجد؟ الله أكبر، رواه أحمد في مسنده. مسند أحمد بن مالك ديس قيامتك دن جزدن هريكو أبني أبني بري खुद कुरान अल्लाह ने उस मंजर को बड़े प्यारे अंदाज से पेश किया है योम यफिर उमिन अखी व उम्म ही व अबी व साहबती बनी। लेकुल शाह जिस दिन आदमी अपने माँ से अपने बाप से अपने भाई से अपने अजीज वक़ारिफ से सबसे भागेगा और हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी जब तक सांस है तब तक आस है जब तक मेरे और आपके रिश्तेदारियां हैं सोचो जिस दिन से अम्बिया कराम खौफ खाते थे वला यौम वाला तुख अल्लाह मुझे उस दिन रस्वा न कर जिस दिन तो लोगों को उठाएगा जिस दिन मान और औलाद काम नहीं आएगी नबी अक्रम सल्हलम जैसी शख्सियत बिस्तर पर आते तो कहते अल्लाह मकीन आजाबक यौम तबात इबादक अल्लाह मुझे उस दिन के आज़ाब से बचा जिस दिन तो लोगों को उठाएगा क़यामत का दिन जहाँ आज वही बाप जो अपने औलाद से हद से ज़्यादा मोहब्बत करता है कभी बच्चों की महब्बत में कभी तबियत की थोड़ी सी नाजाजगी पर कहता है मौलाना क्या बताऊँ बच्चों की तबीयत नासाज थी इसीलिए ऑफिस नहीं जा सका इसीलिए नमाज में हाजिर नहीं हो सका इसीलिए दिल नहीं कह रहा है मेरा बच्चे की तबीयत नासाज है कितना रहमदिल बाप होता है कभी यही शोहर होता है तो अपनी बीवी पर कितना मेहरबान होता है बीवी की मोहब्बत में माँ और बाप के प्यार को तक ठुकराता है खानदान को ठुकराता है बीवी की मोहब्बत में जानते हो कुरान मजीद में अल्लाह ने कितना प्यारा नक्शा खींचा है यावदुल मुजरिम जिस दिन मुजरिम चाहेगा लो यफ्तदी मिन आजाबी यौम योम बनी मुजरिम चाहेगा उस दिन के अजाब से बचने के लिए अगर बाप मुजरिमों के सब में हैं आज मेरे पास डिबिट कार्ड एटीएम कार्ड कोई और वसाइल नहीं है कि मैं अपने दामन को बचा सकूं, ए रब्बुलमीन मेरे सामने मेरी औलाद खड़ी है इनमें से एक एक को पकड़ पकड़ कर जहन्नम में भेज दे इसलिए कि इनकी तालीम और तरबियत इनके डेवलपमेंट के लिए इनकी शादी ब्याह के लिए इनके दुख और सुख के लिए अरे इनकी ज़िंदगी को संवारने के लिए मैं अपनी आखिरत को बर्बाद किया आज मेरी औलाद मेरे सामने है मेरे एक एक बच्चे को जहन्नम में भेज दे और मेरी हिफाजत फरमा दे अल्लाह में बहसीत शोहर बीवी के लिए नाज नखरे इसके लाड़ और प्यार इसके हुसन अदा और इसकी कैफियतों ने कभी मेरी माँ से माँ की ममता से दूर किया कभी मेरे बाप से दूर किया कभी मेरे खानदान से दूर किया मेरी बिरादरी से दूर किया मैं इसका शोहर हूँ ये मेरी बीवी है इसको जहन्नम की आग में भेज दे इस तरीके से अपने क़रीबी आलाई करीबी रिश्तेदारी को पेश करेगा सोचो लेकिन उस दिन कौन आएगा कौन साथ देगा मैं और आप दिन के चौबीस घंटों में से जिनके चौबीस घंटों में से 23 घंटे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बीवी बच्चों की खातिर नौकरी चाकरी के लिए बिजनेस के लिए दीगर वसाइल के लिए सिर्फ एक घंटा रब के नाम अब यही वो वक्त कीमती वक्त है जो अल्लाह की बारगाह में काम आएगा जिस हदीस को मैंने पेश किया है खादिम रसूल हजरत अनस बिन मालिक रजिल्ला हदीस के रावी हैं मुसरत अहमद बिन अम्बल की रिवायत हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कियामत का दिन होगा अल्लाह तबारक तआला अपने ख़ास लोगों को याद करेगा और मेहमान के हैसियत से वो कितने खुश नसीब रहेंगे जो रब के मेहमान होंगे रब उनका मेज़बान होगा वो कितने खुश नसीब होंगे अम्बिया अलिया अतकिया सारी कायनात इंसानी की सफ़ों में से अल्लाह ताला किसी को तलब करेगा तो अल्लाह कहेगा यक़ून अल्लाह रबलियामियामत के दिन मेरा और आपका रब कहेगा एना जी रानी एना जी रानी कहाँ है मेरे पड़ोसी कहा है मेरे पड़ोसी कहाँ है मेरे पड़ोसी वेर इज माई नेबर मेरे नेबर कहाँ है कौन है अल्लाह को मालूम है उसके नेबर कौन है अल्लाह को मालूम है उसके पड़ोसी कहाँ है किस पोजिशन में है किस जगह पर है अल्लाह ताला अपने मेहमान, अपने गेस्ट अपने नेबर अपने ख़ास आदमी कैसे से अल्लाह ताला उसको तलब करेंगे फ़रिश्ते फरमाएंगे या रबलाई मलाइका तो या रबा न मन जारु का लियाम फ़िरिश्ते फ़रमाएंगे हमारे रब आज तेरे पड़ोसी बनने का शर्फ किसको मिलने वाला है वो कौन खुश नसीब इंसान है जिसको तू आज गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहता है तू अपना पड़ोसी बनाना चाहता है एजाज़ इकराम से सरफराज करना चाहता है वो कौन खुश नसीब इंसान है तब अल्लाह फरमाएंगे ए मसाजिद मस्जिदों को आबाद करने वाले सोचो दस से पंद्रह मिनट का वक्त एक नमाज के लिए लिखता है साथियों अजीज़ों साम मोहतरम आप अपने कीमती लम्हात को जो फ हैं दस साल की उम्र के बाद एक टाइम की नमाज भी माफ़ नहीं है हर गिज़ गाफिल ना रहे बीवी बच्चों के लिए जो कुछ मैं और आप कोशिशें कर रहे हैं सब दुनिया में धरी की धरी रह जाएगी ये दस मिनट का वक्त मैं और आप जो रब के लिए दिन में पाँच टाइम दस दस मिनट के एहसास में पूरे दिन में बड़ी मुश्किल से एक घंटा जो दे रहे हैं यही वक्त कबर की तारिकी में काम आएगा मैदान मशर में काम आएगा यही वक्त मुझको और आपको एजाज़ रब्बानी अतए रब्बानी से सरफराज फरमाएगा लिहाजा पंज नमाज के आदि बनिए अपने बीवी बच्चों को भी इसको आदि बनाने की कोशिश कीजिए अल्लाह मुझे और आपको उसने आमल की तोफ़ी दे अल्लाह ताला मेरे और आपके नेक इरादों को पूरा फरमाए अल्लाह ताली मुझे और आपको नेक और एक बनकर जीने की तोफ़ी अता फ़रमाए रबना तकबल मिला तस्मली मत वालाकआबाबरम برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته